गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर 6 कंबस्टन एंड फ्लेम. इट इज़ द चैप्टर ऑफ क्लास 8th एनसीईआरटी. ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारा चैप्टर 6 था 8th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का, आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, यू गॉट इट दैट इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज द combustion and flame on what is the necessary condition for combustion. Combustion के लिए क्या necessary condition थी. So today we are going to see that what are the inflammable substances. ये books में है आपकी कि inflammable जो substance होते हैं वो क्या होते हैं और उसकी एक examples दीजिए. So inflammable substances, combustible substance is known as inflammable substances. जो हमारे combustible substances होंगे, जो combustible substances होंगे, वही substances inflammable भी होंगे. Means जो combustible जो substance होते हैं उन्हीं को हम inflammable substances भी कहते हैं. जैसे example kerosene और petroleum etc. ये हमने पढ़ा था ना कि combustible substance में भी example पढ़े थे. Yes. Inflammable are those combustible substances that have very low ignition temperature. लेकिन बस इनका बहुत ही low ignition temperature होता है, as they catch fire easily. वो बहुत ही जल्दी fire को easily catch कर लेते हैं. Got it students? Okay. Next is that supporter of combustion, that is the oxygen gas. Yes, that is the activity in your class also. सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि थ्री कंडीशंस, देयर आर थ्री कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्टन. कंबस्टन के लिए तीन नेसेसरी कंडीशन होती हैं. फर्स्ट जो कंडीशन थी वो क्या हमारी थी, जो सब्सटेंस है वो कंबस्टेबल होना चाहिए. सब्सटेंस कंबस्टेबल होना चाहिए, यानी ऐसा सब्सटेंस हो जो जल सके, बर्निंग हो सके. सेकेंड थी हमारी जो कंडीशन थी, सेकेंड की थी कि उसका कुछ इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए. सब्सटेंस हैव इग्निशन टेम्परेचर, उसका इग्निशन टेम्परेचर होगा तभी तो वो बर्न करेगा. और थर्ड जो हमारी कंडीशन थी वो ये थी कि सपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस के बिना, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, ऑक्सीजन गैस के बिना कोई भी सब्सटेंस बर्न नहीं होगा. तो हमने दो कंडीशंस तो अपनी फॉलोअप कर ली थी कि कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंस, और दूसरी ये भी हो गई थी कि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए. इग्निशन टेम्परेचर भी हम पढ़ चुके कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ बर्निंग होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दोज सब्सटेंसेज. और थर्ड हमारी कंडीशन थी कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन गैस नेसेसरी होती है. तो अब एक एक्टिविटी के थ्रू हम अपनी ये तीसरी कंडीशन और देखते हैं कि सपोर्टेड टू कंबस्टन, दैट इज ऑक्सीजन गैस. ओके, सो स्टूडेंट दियर आर, वी टेक द थ्री ग्लास जार, तीन ग्लास के मतलब कांच के जार लिए मैंने, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड. सो इन द फर्स्ट पोजीशन यू कैन सी दैट हमने क्या किया कि ये नीचे कार्डबोर्ड है, ये यहाँ कार्डबोर्ड. इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने क्या किया, वुड के टू पीस रखे और वी पुट टू पीस ऑफ वुड ऑन फ्लेम कैंडल. एक कैंडल को जलाया और उसके ऊपर से उल्टा करके मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्लास, ये जो कांच का एक ग्लास था वो रख दिया. तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कैंडल जो हो रही हमारी बर्न हो रही है. कैंडल बर्न हो रही है, क्यों, क्या रीज़न है उसका. और सेकंड, अभी पहला आप थर्ड में देखिए, ये जो थर्ड वाली पोजिशन है लास्ट वाली, अभी इसी ही जार के ऊपर अभी कैंडल जल रही है हमारी. अगर इसी जार के ऊपर मैंने क्या किया, नीचे के ये दोनों जो वुडन के पीस थे वो हटा दिए. यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ ये वुडन के पीस थे, ये यहाँ पर हटा दिए थर्ड वाली में. और क्या किया, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड ढक दिया. तो कैंडल क्या हो गई हमारी, बुझ गई, ऑफ हो गई कैंडल. तो फर्स्ट पोजीशन में चलते हैं. जो हमारी ये फर्स्ट वाली पोजीशन है, यहाँ क्या हो रहा है कि नीचे जो गैप हमने रखा है वुडन के पीस के बीच में, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन मूविंग कर रही है. ऑक्सीजन इसके ग्लास के अंदर आ रही है और ऊपर से यहाँ से निकल रही है. ऑक्सीजन का क्या होता है, मूवमेंट हो रहा है, इस तरह से ऑक्सीजन का मूवमेंट हो रहा है.
तो ऑक्सीजन के मूवमेंट के कारण ये क्या कैंडल जल रही है। और अगर थर्ड पोजीशन में हम देखते हैं कि हमने नीचे के भी कार्डबोर्ड हटा दिए, यानी नीचे से भी फ्लैट बंद कर दिया, ग्लास जो जार था हमारा बंद कर उल्टा करके उसको ढक दिया, कवर्ड कर दिया, और ऊपर से भी क्या कार्डबोर्ड रख दिया, तो ऑक्सीजन का जो मूवमेंट था वो फिनिश हो गया। तो ये कैंडल क्या करेगी, इस पोजीशन में कैंडल क्या करेगी कि कुछ सेकंड के लिए कैंडल जलेगी, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन इसके अंदर आ गई थी, ग्लास के अंदर जितनी ऑक्सीजन आ गई थी, उतनी ऑक्सीजन को ये यूज करने के बाद कुछ सेकंड के बाद अपने आप ऑफ हो जाएगी, क्योंकि इसको ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। अगर हम इसी कैंडल को, जो थर्ड वाली पोजीशन है जहां कैंडल ऑफ होगी, अगर इसी को बर्न करना हो तो हम जाएंगे अपनी सेकंड पोजीशन पर, इसके ऊपर से क्या करेंगे, ये कार्डबोर्ड हटा देंगे। अगर ऊपर से कार्डबोर्ड भी हटा देंगे तो ये कैंडल जलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसको यहाँ ऑक्सीजन गैस मिलेगी अंदर आने के लिए। समझ गए स्टूडेंट्स? तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से ऑक्सीजन सपोर्टिंग के लिए नेसेसरी है। यू गॉट इट? फर्स्ट पोजीशन में हमने नीचे से भी गैप रखा ऑक्सीजन के लिए और ऊपर भी खुला था, तो फ्लेम कैंडल आराम से जलती रही। थर्ड पोजीशन में क्या किया, नीचे से कार्डबोर्ड भी हटा दिया और ऊपर से एक कार्डबोर्ड और ढक दिया इसके ऊपर, तो जितनी ऑक्सीजन थी अंदर यूज करके उसने एक दो सेकंड के लिए जली, उसके बाद क्या हो गई, ये ऑफ हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन का सपोर्ट मिलना बंद, तो क्या हुआ, ऑफ हो गई कैंडल। फिर अगर इस कैंडल को बंद करना हो तो सेकंड पोजीशन पे जाएंगे, ऊपर का कार्डबोर्ड हटा देंगे और मैच बॉक्स से जलाएंगे, तो ये कैंडल जलेगी। और फर्स्ट पोजीशन में तो क्या था कि ऑक्सीजन पूरी सर्कुलेट हो रही थी इसलिए जल रही थी। इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को बर्निंग करने के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होती है। यू स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को आप अपने घर पर कर सकते हो, लेकिन करोगे केयरफुली। ओके, गॉट इट? यस, ओके। तो इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू विलेज ऑल्सो, द चूल्हाज, जो गांव में जो चूल्हे होते हैं, द चूल्हाज यूज इन विलेज, गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन लॉग्स, लॉग्स मतलब जो लकड़ियाँ होती हैं उनके बीच में गैप रखा जाता है, ऑफ वुड, लॉग्स लकड़ियों के जो लट्ठे होते हैं वुड के, जो मोटे मोटी लकड़ियाँ होती हैं, फॉर बेटर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। आप देखते हो इस तरह का ये चूल्हा होता है हमारा, तो इसके अंदर, एक मिनट, मान लीजिए इस तरह का चूल्हा होता है, इसके अंदर आप लोग क्या करते हैं गांव में, यहाँ पर लकड़ियाँ रखते हैं इसके अंदर ऐसे जलाने के लिए, तो ये जो लकड़ियाँ हमारी होती हैं इनको तो आप देखते हो बिल्कुल सीधी नहीं रखते कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसके ऊपर डाल के रख दो, नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर गैप नहीं होगा, अगर गैप नहीं होगा तो यहाँ बर्निंग नहीं होगी, फायर कैचेस नहीं करेंगी ये वुड, तो उसमें क्या करते हैं ऐसे करके गैप रखते हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पर जो वुड होती हैं वो कैचेस फायर करती हैं, यानी बेटर ऑक्सीजन मिलती है उनका। चूल्हे के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है, मूवमेंट होने के कारण जो वुड हमारी होती है अच्छे से कैचेस फायर करती हैं। गॉट इट? यस। नेक्स्ट इज दैट टाइप्स ऑफ कंबसन, टाइप ऑफ कंबसन, कंबसन हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज कंबसन, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर और नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबसन। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंबसन, कंबसन कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंबसन ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस कंबसन। स्पॉन्टेनियस कंडीशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंडीशन होता है जो बहुत ही जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है, बर्निंग फास्ट हो जाती है, स्पॉन्टेनियस। रैपिड जो होता है वो इससे भी फास्ट होता है, रैपिड मतलब अचानक से एकदम से बर्निंग हो गया कोई सब्सटेंस, वो रैपिड। और एक्सक्लूसिव तो एक्सक्लूसिव ही होता है, धमाकेदार, उसको टाइम ही नहीं लगता है। एक्सक्लूसिव जो सब्सटेंसेस होते हैं या एक्सक्लूसिव कंबसन ऐसा होता है कि वो धमाकेदार एक्सप्लोजन के साथ फायर होती है। अब हम इनको धीरे धीरे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि व्हाट इज द स्पॉन्टेनियस, व्हाट इज द रैपिड और व्हाट इज द एक्सक्लूसिव कंबसन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट स्पॉन्टेनियस कंबसन। स्पॉन्टेनियस कंबसन क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, देखिए आप एग्जाम्पल में हमने लिया है बर्निंग ऑफ येलो फास्फोरस। येलो फास्फोरस कैसे बर्न करता है, तो येलो फास्फोरस जो होता है हमारा, इसका फास्फोरस एलिमेंट है एक, येलो फास्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो इतना लो होता है कि समर मतलब गर्मियों में, समर में ये जो होता है ना रूम टेम्परेचर भी, रूम टेम्परेचर पर ही
फायर को कैचेस कर लेता है। मीन्स अगर गर्मियों में हम इसको रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे तो इसका इग्निशन टेम्परेचर इतना लो होता है कि रूम के अंदर ही जलना शुरू हो जाता है गर्मियों में। मतलब क्या करता है ये, गर्मियों में क्या करता है, इग्निशन टेम्परेचर लो होता है और गर्मियों में तो मौसम के अंदर बहुत गर्माहट होती है, तो ये क्या करता है, रखा रखा रूम टेम्परेचर पर भी कैचेस फायर कर लेता है। ये होता है स्पॉन्टेनियस कंबसन। इट इज कंबसन दैट अकर एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कंबसन को केवल जो रूम टेम्परेचर पर होना स्टार्ट हो जाता है, रूम टेम्परेचर मतलब जितनी मौसम के अंदर गर्माहट होती है, इट इज ऑन अपने आप जलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको जलाने की जरूरत नहीं होती है। इट इज शोन बाय द सब्सटेंस दैट हैव इग्निशन टेम्परेचर लेस देन द रूम टेम्परेचर। तो इसका इग्निशन टेम्परेचर इतना लेस हो जाता है कि रूम टेम्परेचर से भी लेस हो जाता है। रूम टेम्परेचर जब रूम का जो मान ली रूम रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो इसका जो टेम्परेचर हो जा वो बर्निंग का जो टेम्परेचर ना 40 डिग्री से भी लेस हो जाता है और ये अपना बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ येल्लो फास्फोरस। तो स्टूडेंट्स आप स्पॉन्टेनियस कम्बशन को बर्निंग ऑफ फास्फोरस जो इसका एग्जाम्पल उससे याद रख सकते हो कि येल्लो फास्फोरस जो होता है वो रूम टेम्परेचर से भी इग्निशन टेम्परेचर समर में लो हो जाता है उसका और बर्निंग होनी स्टार्ट हो जाती है। गॉट इट? यस। नेक्स्ट इज दैट अगर हम बात करते हैं रैपिड कम्बशन। वॉट इज रैपिड कम्बशन? रैपिड के नाम से ही आप समझ रहे, रैपिड मतलब फटाफट। इट अकर्स रैपिडली इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ हीट एंड लाइट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक ऐसा कंबसन जिसमें रैपिडली एकदम से जो कंबसन होता है और बहुत अधिक हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है ना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत छोटे टाइम में ही बहुत अधिक हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। जैसे बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है, हमें जल्दी ही बहुत अधिक हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। एग्जाम्पल इसके और भी हैं, जैसे एलपीजी है, कैरोसिन ऑयल है, कोल इट्सेट्रा, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबशन। गॉट इट स्टूडेंट्स? यस। एंड थर्ड इज दैट एक्सक्लूसिव कंबशन। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव मीन्स आप जान रहे हैं, एक्सक्लूसिव एक्सप्लोजन, धमाका। इट इज द कंबशन दैट अकर्स एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत ही फास्ट होता है, विद रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। बहुत अधिक हीट एंड लाइट रिलीज होती है एंड ऑल्सो लाउड साउंड, और बहुत अधिक साउंड भी प्रोड्यूस होती है। इसके एग्जाम्पल के लिए आप देखिए क्रैकर्स। यस, क्रैकर्स। ऑन द ओकेशंस ऑफ दिवाली एंड मैरिज ऑल्सो, शादियों में या दिवाली पर हम क्या करते हैं, क्रैकर्स जो होते हैं उनको फायर करते हैं। तो जब हम क्रैकर्स में फटाफट, जैसे ही आप मैच बॉक्स लाते हो और एक बार बर्न कर दिया, इसको बर्न कर दिया, तो बहुत अधिक हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी और साथ में एक्सप्लोजन मतलब धमाका होगा बहुत बड़ा। तो दैट इज द एक्सप्लोजन या एक्सप्लोसिव कंबसन। इस तरह से हम एक्सक्लूसिव कंबसन मतलब एक्सक्लूसिव कंबसन में हमें हीट लाइट तो प्रोड्यूस होगी ही, हीट एंड लाइट साथ में क्या आएगी, हमारी साउंड भी आएगी। इस तरह के कंबसन को कहते हैं एक्सक्लूसिव कंबसन। जैसे बम विस्फोट वगैरह होते हैं उसको भी हम एक्सक्लूसिव कंबसन ही कहते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? आई होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल द टाइप्स ऑफ कंबसन एंड कंबसन ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।